ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर कई तरह के सवाल हमारे पास है। स्पेशली अगर बात करें जीटी को लेकर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट बना ही रहता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फाइल लगाई हुई है जीटी को लेकर, उनको परेशानी फेस करनी भी पड़ रही है। आज के टाइम में बहुत लंबा डिले भी देखना पड़ रहा है उनको। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जीटी एक हफ्ते में क्लियर करवा सकते हैं। अभी आप सोचेंगे ये कौन सा प्रोसेस है, सो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जो आज माहिर सलाह आपके साथ शेयर करेंगे, नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो सभी को बता दें कि नेविगेटर्स ओवरसीज इस कंपनी का तकरीबन 26-27 सालों का एक्सपीरियंस और ढेर सारी प्रोफाइल्स पे इन सालों में काम किया गया, कई तरह की ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं नेविगेटर्स ओवरसीज के पास। तो मैम आज हम बात करें जब ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की, तो सबसे पहले एक बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स के मन में जीटी को लेकर ज़रूर रहता है, तो आप कैसे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात की कि जीटी डिले अक्सर सुनने को मिलती है, तो कैसे नेविगेटर्स ओवरसीज एक हफ्ते में जीटीई क्लियर करवा सकता है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को जरूर पूरी तरह से क्लैरिटी दीजिए। हरजोत, ऐसा है कि अच्छा लगता है सुन के कि एक हफ्ते में, वन वीक में जीटी क्लियर, दैट्स वेरी गुड। और नेविगेटर कराता है, वीज़ा ऑटो ग्रांट ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नेविगेटर कर रहा है इन चीज़ों में। स्टूडेंट का प्रोफाइल मैटर करता है। स्टूडेंट अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ जीटी निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी कंट्रीज़ में परसेंटेज 60% लेंगे, 50% लेंगे, ओवरऑल लेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में मेन सब्जेक्ट्स में लेते हैं, तो चार सब्जेक्ट्स जो मेन होते हैं इसके मिला के मिनिमम 60% चाहिए। CBSE बोर्ड के चाहिए मेरे को, बोर्ड CBSE हो और 60% चार सब्जेक्ट्स के ओवरऑल हो। उसमें कोई लैंग्वेज हिंदी पंजाबी या कोई ऐसी लोकल लैंग्वेज काउंट नहीं होगी, खाली जो मेन नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स चाहिए, ज़्यादातर हमें नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, इन चार को हम काउंट करेंगे। इनका ओवरऑल मेरे को 60% चाहिए, IELTS 6.5 बैंड चाहिए, राइट। 23 पास आउट बच्चा या मास्टर्स के लिए जाना है तो आपका 5 ईयर्स का जो है गैप, दैट इज़ नॉट गैप इफ़ यू आर वर्किंग, क्योंकि वर्किंग के आपको एक्सपीरियंस देने होते हैं। तो मास्टर्स के लिए भी हमें यही रिक्वायरमेंट है, 60% एंड 6.5 बैंड। आपकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप लग के आती है, आपने फीस पे करनी है। लिविंग एक्सपेंसेस जस्ट आपको शो करने हैं, $24,500, तो जो कि आपके मेरे ख्याल 14-15-16 लाख के आसपास आएंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको वन वीक में जीटी क्लियर करा के देंगे। और ये लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लेवल वन यूनिवर्सिटी में वीज़ा चांसेस, मतलब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो वीज़ा आ रहा है वो लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे अच्छे कोर्सेज में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्टेज है जी, उस कोर्सेज में जा रहे हैं, लेवल वन यूनिवर्सिटी अच्छे कोर्स में जा रहे हैं, IELTS स्कोर अच्छा है, उनका वीज़ा आना ही आना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है वो जीटी में कर रहा है, उसकी हमारी गारंटी है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आप वो दीजिए, आपका वन वीक में जीटी क्लियर करा के देंगे। फाइनेंशियल भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आजकल बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने हमारे से टाई अप कर रखा है, वो बैंक्स का हम आपको आपके साथ टाई अप करा देते हैं स्टूडेंट का, और आप बैंक से जाके विद इन वन वीक लोन सेंक्शन लेटर ले सकते हैं और उनसे लोन अप्रूव करा सकते हैं, और आपका जो है वन वीक के अंदर जीटी क्लियर आपका वीज़ा आ गया, एंड वीज़ा आ गया, नाउ यू कैन ट्रैवल। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल कि आपका IELTS स्कोर एक पर्टिकुलर जो मैंने बताया 6.5, 60% आपके मेन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, यू कैन अप्लाई। आपका जैसे जीटी क्लियर होता है आपको फीस अप्रूवल मिलती है, आपने फीस पे करनी है, COE लेनी है और वीज़ा के लिए फाइल लॉन्च करनी है, दैट्स द टोटल प्रोसेस।
जी मैम, तो जैसे हम बात कर रहे हैं जीटी एक हफ्ते में क्लियर हो सकती है, तो उसके लिए कितना टाइम पहले प्रोसेस अपना शुरू करवा देना चाहिए? ये नहीं कि इनटेक के बिल्कुल नजदीक आकर अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसके बाद स्टूडेंट सोच रहा है कि एक हफ्ते में मेरी जीटी क्लियर हो जाए, कितना टाइम प्रोसेस के लिए जरूर चाहिए इसके लिए? देखो, स्टूडेंट आएगा, डॉक्यूमेंट समझेगा। मान लीजिए अगर स्टूडेंट ने मेरे को आज डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, फाइनेंशियल, ITR और एकेडमिक, तो उसके ऑफर लेटर के साथ जीटी तक 1 वीक में मैं सारा काम करा दूंगी। इतना फास्ट प्रोसेस है, मैं आपको 2 डेज में भी कह सकती हूँ, लेकिन ये 1 वीक हम मैक्सिमम टाइम बोलते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अगर इस फॉर्मेट से, इस ढंग से, सही तरह से आप अप्लाई करते हैं तो आपको जीटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका प्रोसेस भी जल्दी होगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। कोई और आपका सवाल हो तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है नेविगेटर्स ओवरसीज़ का, इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। असेसमेंट करवाना चाहें तो ज़रूर, चाहे तो आप नेविगेटर्स ओवरसीज़ के ऑफिस में विजिट कीजिए या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि असेसमेंट की जाए और आपको सही ऑप्शंस बारे, सही ऑप्शंस के लिए गाइड किया जा सके कि आप कैसे टाइमली अपना स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये आपने पूरी तरह से क्लैरिटी और पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है आज की इस वीडियो के जरिए। इसी तरह से हम आगे भी स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।